अब उस खबर की बात करते हैं जिसका फोकस भेड़ियों पर है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 3 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। ये आदमखोर भेड़िए अब तक 5 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना चुके हैं। ड्रोन कैमरे में इन आदमखोर भेड़ियों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसकी सूचना मिलने पर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह खुद आधी रात को बंदूक लेकर बहराइच के कुम्हारनपुरवा गांव में पहुंच गए। किसी वन विभाग के एक्सपर्ट की तरह बीजेपी विधायक आदमखोर भेड़ियों के पैरों के निशान को देखते हुए उनकी खोज में जुटे हैं। आज भी सुबह इन भेड़ियों ने एक महिला पर हमला कर दिया जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बहराइच के कई गांव में लोग पिछले 35 दिनों से आदमखोर भेड़ियों की दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। भैया उधर से वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, उधर से वापस हो जाओ। कोई कोई यहाँ आएगा नहीं। अब नकबंधा के दो आदमी देखे तो एक ही कौन रंग पे रहा है, सफेद कलर रहा है, रोड किनारे देखे होंगे लड़का बोलने अगर नकबंधा। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर न सोएं, बाहर न निकलें। वहीं उस मुद्दे पर अब सियासत भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, बीजेपी के विधायक जी दिखावटी सहानुभूति का प्रदर्शन करने के लिए हाथ में बंदूक लेकर आदमखोर पशु के पैरों के निशान तलाशने का काम करने का वीडियो बनवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने झूठे जन सरोकार को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी ही सरकार के मंत्रालयों और विभागों पर भरोसा नहीं है। यानी आदमखोर भेड़िया राजनीति का विषय भी बन गया।